हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपना टाटा टियागो का सर्विस करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हम पूरा बताने वाले हैं कि टाटा टियागो का थर्ड सर्विस में कितना कॉस्ट आने वाला है, वो तो पता चलेगा शोरूम जाने के बाद। तो फिलहाल देखिए, टाटा टियागो यहाँ पे लगाए हुए हैं और सीधा जाने वाले भाई धनबाद मोटो जैन, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे टाटा टियागो कितना किलोमीटर चल गया अभी तक। तो टोटल हो गया है 12,200 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो 20 किलोमीटर लगभग टोटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सर्विस कराने वाले हैं, ये हमारा थर्ड सर्विस है। तो देखते हैं कितना कॉस्ट आने वाला है। आज तो फिलहाल हमको लग रहा है कि मोबिल वगैरह चेंज होगा और क्या कितना प्राइस है, लेबर कॉस्ट कितना आता है उसमें, वो सारे डिटेल आपको बताएंगे। तो फिलहाल चलते हैं अभी शोरूम और तब तक देख सकते हैं भाई आप लोग GT रोड का नज़ारा। काफ़ी खूबसूरत रोड बनाया गया है, बहुत ही शानदार रोड है, बहुत ही खूबसूरत रोड है भाई। ये रोड में बहुत ही अच्छा माली निकलता है गाड़ी से हमारा, ठीक है। अभी देखिए हमारा गाड़ी में कितना अच्छा माली निकल रहा है, ठीक है। ट्रिप भी में हम किए थे 0, ठीक है। देख सकते हैं यार 29.6, ऐसा रोड में टियागो में आपको 29.6 का माली आपको शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 30 का माली आप शो कर रहा है, देख रहा है 30 का माइलेज, मतलब 25 तो कहीं नहीं जाएगा भाई इस सब रोड में, ठीक है। 25 का माइलेज कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए इंजॉय करते हैं, अपना म्यूजिक को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो म्यूजिक सिस्टम को ऑन करते हैं भाई यहाँ से हम, और इंजॉय करते करते जाते हैं शोरूम। दोस्तों, अगर आप भी अपने कार में एक अच्छा माइलेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा ट्रिक्स आपको बता रहे हैं, बस आपको ड्राइविंग स्किल में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी ओवर फ्लाई भी हम चढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे डाउन आएगा तो हम क्या करेंगे, गियर को सिर्फ न्यूट्रल कर देंगे और छोड़ देंगे, इससे क्या होगा आपका माइलेज जो है बेहतरीन निकल पाएगा। देखिए अभी गियर फिफ्थ गियर में है, इसको क्लच दबाए हम न्यूट्रल कर दिए, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल हमारा गाड़ी में बिल्कुल कोई भी रेस वगैरह नहीं दे रहे हम, तो बिल्कुल आराम से 75-76 के स्पीड में डाउन मार रहा है गाड़ी। इंजन को ऑफ नहीं करना दोस्तों, ठीक है। इंजन ऑफ करने से क्या होता है, आपका स्टेयरिंग लॉक हो जाता है, मतलब पावर स्टेयरिंग रहता है ये, तो हार्ड होता है स्टेयरिंग, और ब्रेक भी हो सकता है लगने का संभावना नहीं रहेगा, इसलिए कभी भी इंजन को ऑफ मत कीजिएगा। आराम से इस तरह से न्यूट्रल कर दिए सिर्फ, और आराम से डाउन मारिए, जितना डाउन हो सके तो डाउन मारिए, उससे आपका क्या होगा, गाड़ी का माइलेज जो है इंक्रीज होगा। तो अभी हम पहुँच गए देख सकते हैं टाटा मोटर्स, और अभी हम यहाँ पे गाड़ी सर्विस करवाने वाले हैं, देख सकते हो वहाँ पे सर्विस है। तो सर्विस से देने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं। जैसे कि आपका कार में बहुत सारे एसेसरीज सामान रहता है, वो चीज़ का आपको अच्छी तरह से अपने पास रखना चाहिए। जैसे क्या होगा, आप जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, ये सारा चीज़ आपको निकाल के रख लेना, ठीक है। पेन ड्राइव हो गया, ऐसे कुछ ऐसे इमरजेंसी सामान है, पर्स वगैरह हो गया है, चार्जर हो गया, तो जितना भी महत्वपूर्ण सामान है वो चीज़ को आपको अपने पास लेके रख लेना, ठीक है। अपने पास लेके वहाँ पे एक रहता है वेटिंग रूम, वेटिंग रूम में अपने सामान लेके अपने पास रखिए। अदरवाइज क्या हो सकता है दोस्तों, कि वहाँ पर जाइएगा, हो सकता है आपका चार्जर गुम हो गया, तो हो सकता है आपका पेन ड्राइव गुम हो गया, इस तरह का समस्या हो सकता है। तो आपको और एक हम महत्वपूर्ण चीज़ बताना ये चाहते हैं कि आप चारों टायर का, आपका कार में जितना भी टायर का नंबर है वो सारा फोटो खींच लीजिए, अपने टायर का जो नंबर है वो फोटो खींच लीजिए, साथ ही साथ कार का जो स्टेपनी रहता है उसका भी फोटो खींच लीजिए। कभी कभी क्या होता है, टायर वायर लोग खोलते हैं, कहीं रखते हैं दूसरा जगह पर, और बाय मिस्टेक क्या होता है, अलग अलग सर्विसमैन क्या करते हैं, इसके टायर वाला उसको टायर उठा के दूसरे टायर पे डाल देते हैं, तो ये होता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, और अगर आप कुछ भी सामान छोड़ देते हैं कार के अंदर, जैसे कि हो सकता है अगर डिक्की में अगर बैग वगैरह होगा, ठीक है, कुछ सामान ऐसा है जो वो चीज़ आप नहीं केयर कर सकते हैं, तो उसका जरूर आप एक छोटा सा वीडियो बना के रख लीजिए, जिससे कि आप उनको बाद में दिखा पाइएगा। देखिए जब हम गाड़ी सर्विस कराने यहाँ पर लाए थे तो हमारा कार में ये सामान था, अभी हमारा वो सामान नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा खोज के मेरे को दे दीजिए। तो चलिए अब हम अपने सारे सामान निकाल लेते हैं और हम सीधा चलते हैं सर्विस के वहाँ। तो भाई मेरे कार में फिलहाल इतना ही महत्वपूर्ण सामान था, तो सारे निकाल के अभी हम अपने बैग पर रख लेते हैं। तो फाइनली गाइस, कल हम आप लोगों को नहीं बता पाए कि हमारा टाटा टियागो का किस प्रकार सर्विस हुआ और कितना खर्चा आया और क्या क्या काम हुआ, वो चीज़ आप लोगों का डिटेल में नहीं बता पाए थे, क्योंकि हमारा क्या हुआ था, कल जब हम गए थे शोरूम लगभग 10 बजे और वहाँ से हम निकले लगभग 7 बजे, तो काफ़ी हमारा टाइम वहाँ पे
खपत हो गया, जिसके कारण अंधेरा हो गया और अंधेरा के बाद हम सीधा जीटी रोड पे आ रहे थे, मतलब हाईवे रोड पे आ रहे थे। तो मेरे को नहीं लगा कि रात के टाइम हाईवे रोड पे रुक के कहीं पे वीडियो शूट करना अच्छी बात है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कल अब सुबह बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताने वाला है कि टाटा टियागो में कितना हमारा खर्च आया और क्या क्या काम हुआ। तो सबसे पहले इंजन में हमारा क्या काम हुआ वो चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारा इंजन में सबसे पहला काम ये हुआ कि इंजन ऑयल चेंज हुआ, इंजन फिल्टर, ये वाला फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ठीक है, ये चेंज हुआ, ठीक है, एयर फिल्टर चेंज हुआ। बाद में कि देख सकते हैं इंटीरियर इंजन का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वॉश किया, मेरे को काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा भाई कि देख सकते हैं एक एक पार्ट को उन्होंने अच्छी तरह से साफ़ किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले जितना गंदगी था, बहुत ज़्यादा गंदगी था, वो सारा गंदगी अब निकल गया गाड़ी से। और उसके बाद क्या काम हुआ कि हमारा ये वाला गेट पे नॉइज था, ठीक है, क्या नॉइज था वो आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इस वाला मिरर को हम पूरा अच्छी तरह से लॉक कर देते, मतलब पूरा लॉक कर देते यहाँ तक उठ के सीधा, तब क्या होता था जब भी खराब रोड पे चलते थे इस प्रकार के रोड पे, तो क्या होता यहाँ से कुछ आवाज़ आ रहा था, ठीक है, लेकिन हल्का से जैसे हम खोल देते थे तो उसके बाद क्या होता था वो आवाज़ नहीं आता था। और क्या होता था प्रॉब्लम, अगर हम पूरा शीशा को पूरा खोल देते थे तो फिर भी आवाज़ आता था, लेकिन हल्का सा फिर हल्का उठा के रख देते थे तो फिर भी आवाज़ आता था, मतलब बीच में रखते थे आवाज़ नहीं आता था, ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गया है, पूरा अच्छी तरह से उन्होंने गेट खोला, ठीक है, और एक एक चीज़ को उन्होंने देखा, कोई भी नट वगैरह ढीला था उसको टाइट कर दिया, उससे ठीक हो गया हमारा गेट। तो ये वाला प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया। तीसरा प्रॉब्लम मेरे गाड़ी में ये था कि को पैसेंजर साइड में ड्राइवर सीट में क्या हुआ था, बहुत पहले हम गाड़ी पे लेमिनेशन करवाए थे, तो जब हम लेमिनेशन करवाए थे तो वो लोग मिस्त्री क्या करते हैं जल्दी जल्दी उन्होंने नट को टाइट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ था ये नट से उन्होंने स्लिप कर दिया था, तो ये नट को खोलने में उनको काफ़ी मेहनत लगा, ठीक है, लगभग 15 से 20 मिनट ये नट को खोलने में लग गया। फिर उनको प्रॉब्लम ये समझ में आया कि भाई आपका ये नट में प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर जो बोल्ट है वो आपका स्लिप कर गया है। तो फिर उन्होंने साइड पे गाड़ी ले गया जहाँ पे डंटी वंटी होता है, इस चीज़ को उन्होंने हल्का से लेमिनेशन को यहाँ पे काटा और फिर से यहाँ पे वेल्डिंग अंदर से एक नया बोल्ट वेल्डिंग करके उन्होंने लगाया, ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर लग गया। तो इससे हमारा पहले प्रॉब्लम क्या रहा था, जब भी हम अकेले बैठते थे अगर इधर कोई नहीं बैठता था तो ये सीट हमेशा हल्का हल्का आवाज़ करते रहता था, क्योंकि ये नट बिल्कुल ख़राब हो गया था, ठीक है, तो ये अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और चौथा चीज़ हम भाई शोरूम से और एक चीज़ हम बहुत अच्छा चीज़ सीखे हैं, क्या चीज़ सीखे हैं वो चीज़ आपको शेयर कर देना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम लोग रोड पर जब चलाते हैं इस प्रकार के रोड पर, तो हमारा चारों गेट हमारा दरवाज़ा से कोई भी नॉइज नहीं रहता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि रच 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 करके ऐसा कुछ आवाज़ आता है, ठीक है, गेट से, चारों गेट से आपको लगेगा कि आवाज़ आ रहा है। तो वो आवाज़ क्यों आता है वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। देखिए, तो सर्विस मैन ने मेरे को बताया कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, ये वाला जो रबड़ है, ये वाला रबड़ और ये वाला रबड़ सूखने के कारण क्या होता है, दोनों में घिसावट होता है, ठीक है, घिसावट होने के कारण वो आवाज़ आता है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ये खुद से भी घर में भी कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करना है भाई, कोई भी ऑयल लुब्रिकेंट ले लेना है वो कपड़ा पे और इसमें डाल देना है, इसमें इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से डाल देना है और इसमें भी डाल देना है। अब इसमें क्या होगा, जब ये गेट चिपकता है, ठीक है, जब ये गेट लगता है तो इसमें क्या होता है, घर्षण नहीं होता है, घर्षण जब नहीं होगा तो इसमें आपका वो जो रच रच करके जो आवाज़ आता है वो चीज़ अब खत्म हो गया। तो हमारा चारों दरवाजे पर उन्होंने किया तो कोई भी गेट से अब हमारा आवाज़ इस प्रकार का नहीं आ रहा है। अब सेकेंड लास्ट चीज़ हमारे गाड़ी में क्या हुआ दोस्तों, अलाइनमेंट काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, लगभग आप अपने कार पे 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद जरूर अलाइनमेंट करवा लीजिएगा। कोई भी गाड़ी रहे 10 से 15,000 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ख़राब हो जाता है अलाइनमेंट भागता है, ठीक है। अगर आप अलाइनमेंट नहीं करवाते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई मैं चला रहा हूँ तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी अलाइनमेंट सही है, लेकिन आप चलाइएगा तो आपको महसूस जरूर होगा कि हमारा अलाइनमेंट अभी सही है, बट बिल्कुल हल्का हल्का धीरे धीरे ख़राब होता है। और जैसे ही ख़राब हल्का से भी अलाइनमेंट अगर ख़राब हो गया तो आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, आप 600 बचाने के चक्कर में आपका क्या होता है, टायर का नुकसान हो जाता है। मतलब एक टायर का मान के चलिए 3,000 रुपये दाम है, तो 3×6 × 6 × 12, मतलब 12 या 18 हज़ार के रेंज में आपका टायर नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होता है आपको पता नहीं चलेगा, आप बाहर से देखते हैं इस प्रकार से टायर तो ये आपको लगेगा हाँ गोटी हमारा है, लेकिन अंदर साइड में कभी कभी क्या होता है, अंदर साइड में दब जाता है, ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है टायर चढ़ता है, ये टायर बिल्कुल चढ़ जाएगा और ये गोटी जो है वो बिल्कुल घिस जाएगा, इससे आपका टायर का नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग भी अपना कार पे अलाइनमेंट का ध्यान दीजिएगा, अलाइनमेंट करवाना चाहिए, ठीक है, हर 15,000 किलोमीटर आप अलाइनमेंट करवा लीजिए। और मेरे को भी फील हुआ कि भाई अलाइनमेंट करने के बाद हैंडल जो है कार के स्टीयरिंग बिल्कुल मजबूत लग रहा था, ठीक है, जैसे हाईवे रोड पे चढ़ रहे थे अब मुझे को लग रहा था हाँ अब हल्का सा टाइट हो गया, पहले क्या होता फ्री रहता था, फ्री रहने से आपको समझ जाना है कि आपका अलाइनमेंट बिगड़ गया, ठीक है। और लास्ट फाइनली हमारा कार पे ये हुआ दोस्तों कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने वॉश किया। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, जब भी अपने कार को वॉश कराइएगा,
हम वहाँ गए थे तो भाई वो कार का जहाँ पे वॉशिंग होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो उन्होंने बता रहा था कि हम आपके कार को साइड पे ले जाते हैं और साइड पे वहाँ पे जो ट्रक वाला सिस्टम देखे ना, जो गड्ढा रहता है ज़मीन पे, वो नीचे से लेकर वहाँ पे वॉश कर देते हैं। हम बोले भाई नहीं, मेरे को वॉश करवाना है, बिल्कुल आप उठा के कीजिए, जहाँ पे जग है वहीं पे कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका नीचे जो है पूरा बॉडी के नीचे वो बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश होता है। बरसात का मौसम चल रहा था, नीचे काफ़ी मिट्टी जमा हुआ था, वो चीज़ शॉर्ट आउट हो गया। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब आपको बताने वाले हैं कि हमारा टाटा टियागो थर्ड सर्विस में कितना कॉस्ट आया। तो हमारा टाटा टियागो का थर्ड सर्विस में कॉस्ट 3350 रुपये का आया है, और उन्होंने बताया कि आप 3400 रुपये का कुछ प्लान है हमारा, तो ये ले लीजिए, 3400 का प्लान आप ले लीजिएगा सिल्वर प्लान। तो आप 6 महीने के बाद फिर से अपना गाड़ी को फिर से नॉर्मल चेकअप के लिए ला सकते हैं, आपका वॉशिंग उसमें फ्री रहेगा, ठीक है। तो वो भाई हम 3409 रुपये हम दिए वहाँ पर पेड किए, इससे हमारा 6 महीने के बाद हम एक बार फिर से जाके नॉर्मल चेकअप में ये चेकअप करवा सकते हैं, अपना गाड़ी को वॉश करवा सकते हैं, वो प्लान हम ले लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी कमेंट है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।